सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, साथी में जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग है हमारा CIT बैच नंबर 33 का क्लोजिंग एड्रेस, जो कि इलेक्शन के दरमियान होने के कारण इनका क्लोजिंग एड्रेस अप डाउन हुआ था, लेकिन आज इनका जो मोटिव था ट्रेनिंग का वो कम्प्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ आज क्या है इनका क्लोजिंग एड्रेस है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आगे की तरफ चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। CIT ब्याज नंबर 33 222 स्कोर किया था, 7 8 8 2 215 क्लोजिंग एड्रेस के लिए आदि रहे सीमान, उतार टोपी। माननीय श्री विश्वनाथ विश्वास, CIT ट्रेनिंग के कोच 2024 तक आयोजित करवाया गया था, इनके परिचय 215 है, जिनमें से सब इंस्पेक्टर और PSI 5, ASI 24, कांस्टेबल 186 है, जिसमें RTO 3, RTO कुल मिलाकर ASI 3, कांस्टेबल 4, कुल मिलाकर 7 RTO है। इसी प्रकार से 222 के वितरण के लिए अग्रसर रहे, देने के लिए साल 220 भारत सरकार 4 hours 15 minutes एक्सलेंट ग्रेडिंग मिला है सर के उपस्थिति पर, ये प्राइज दिया गया है। श्रीमान, फीडबैक देने की अनुमति प्रदान करें। श्रीमान, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हमारे ट्रेनर्स मेजर सर, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, सबने बहुत अच्छे से कोर्स को डिजाइन किया ताकि हम लोग अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। सब कोई इतना हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद भी हेल्दी है, कोई इंजरी नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हम लोग पास किए हैं। तो इस कोर्स को बहुत बढ़िया से डिजाइन किया गया है। इस कोर्स का जो मॉड्यूल है, जो फिजिकल एक्सरसाइज और जो भी EOAC करते हैं हम लोग, जो भी डिजाइन किया गया है वो बहुत ही एग्जैक्ट और प्रॉपर तरीके से किया गया है। इसके लिए हम कोर्स कोऑर्डिनेटर जो भी हैं, इंडोर क्लासेस जो भी होते हैं, मेजर साहब जो हैं, आउटडोर इंस्ट्रक्टर जो भी हैं, वो लोग वेल ट्रेंड और वेल अच्छी तरीके से हमें ट्रेनिंग करते हैं, करवाते हैं। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद प्रदान करता हूँ। অনেক সিনিয়র পেয়েছি, তাদেরকে আর কোনোদিন ভুলতে পারবো না। এবং সবচেয়ে একটু বলতে চাই যে এই CIT একটা আলাদাই আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, যাতে আমি আমার পুলিশ জীবনে এগুলো কাজে লাগাতে পারবো। এবং
যেগুলো আমি হয়তো ভবিষ্যতে আমার চলাফতে এগিয়ে নিতে পারব। আর যদি কিছু কমতি বলতে চাই তো এক নম্বর বলে গেছেন তুমি, যেটা যে একটু गाइस। ये हमारे CIT के प्राइज होल्डर जो कि हमारा भरत सरदार साहब ASI एज होने के कारण भी इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड जो कि किस में था सर? सर 40 किलोमीटर ना, तो आपका 40 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद कैसा लगा सर आज? अच्छा लग रहा है सर। कुछ बोलना है सर? भाई लगे सर ट्रेनिंग भाव कम्प्लीट कर लाइ कस्टर मध्य सर डिटी कर ट्रेनिंग कम्प्लीट कर। ठीक है धन्यवाद सर। ये हलो हमारे अलराउंडर সত্যি বলছি এই ট্রেনিংটা তো মানে মিস করবো, প্লাস এই যে জায়গাটা স্যার আপনাদেরকে মানে একটা ঘরের মতো হয়ে গেল স্যার সত্যি বলতে। যা তোমার স্ট্যান্ডার্ড ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড খুব ভালো হয়েছে, ঠিক আছে এরকমই রাখবে, ধরে রাখবে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড। থ্যাংক ইউ স্যার। আউটডোরে আউটডোরে গুড শেবাস, পুরো আউটডোরে তোমার এক্সিলেন্ট ছিল, আর এখনই যে ফিজিক্যাল আছে সেরকম রাখবে, বুঝতে পেরেছো? আর কিছু বলা আছে তোমার? খুবই ভালো লাগলো, অনেক নতুন জিনিস কিছু শিখতে পেলাম এখান থেকে, আর অনেক দিন একসাথে থেকে এখানে সবার সাথে অনেক মিলেমিশে গেছিলাম, মিস করবো খুবই। গুড শাবাস। তারপরে মিলন প্রমাণিক যে কি 40 কিলোমিটার মে ওভারঅল ফার্স্ট, তো বহুত বড়িয়া কিয়া ইসকা রান ওর রেকর্ড ভি টাইম টেবল ভি বহুত বড়িয়া হ্যায়। কিছু বলবে স্যার? প্রথম যখন এসেছিলাম ভাবলাম যে কি হবে CIT ট্রেনিং, হয়তো খুব খাটনি, পারবো কি পারবো না, দেখলাম না আস্তে আস্তে এইভাবেই কমপ্লিট করলো। আর স্যারই আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ছিল, তো প্রচুর পরিমাণে আমরা রগড়ানো খেয়েছি, তো জিতনা রাগড়া উতনা তাগড়া এটাই শিখেছি। তো আমরা অনেক কিছুই খাটনি করেছি, 40 কিলোমিটার যখন দৌড়লাম তখন ভাবলাম যে কি হবে, কিন্তু ফাইনালি দেখলাম না ফার্স্ট পজিশনে এসেছি, তো সবই স্যারেদেরই মেহনত করানোর ফল। ঠিক আছে গুড শাবাস স্যার, এরকমই রাখবে আপনাদের ফিজিক্যাল সবাই, তোমরা এরকমই রাখবে, ঠিক আছে? ওকে গুড লাক। CIT ট্রেনিং এর কোচ